अरे बेटा अली रिदा। जी पापा मैं अली रिदा। अरे बड़े चेंज हो गए तुम। पापा वो वक्त के साथ पे चेंज होना पड़ता ना, आप भी तो देखो कितना चेंज हो गए। अरे लेकिन ये तुम्हारी दाढ़ी कब आई? अरे पापा दाढ़ी को आए हुए 2 साल हो गए। अरे पिछली बार देखी तो नहीं थी वो? पापा आपने फिर 2 साल पहले देखा होगा। और सुनाओ क्या चल रहा है? पिछली पापा बस पबजी खेल रहा हूँ। अरे छोड़ो पबजी, जिसको देखो पबजी खेल रहा है। अली को कॉल कर। हाँ अली, लॉकडाउन में क्या कर रहा है घर में बैठ के? क्या करना यार, सो के था, अब आराम करने लगा। आराम? हाँ सो के थक गया यार। वाह, लोग थक के सोते हैं और तू सो के थक गया? मैंने ना अपने पूरे घर को एक्सप्लोर किया, तेरे को पता है मेरे घर में 272 टाइल्स, 120 चम्मच, 8 दरवाजे, 25 नलके, और शीशे में देखो तो कितने ज्यादा पागल और भी नजर आता है आजकल। वाह यार, इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। और भी यार मैंने बहुत कुछ किया, छत पे कैटी, गार्डन में जॉगिंग, बाथरूम में सर्फिंग। क्या? सॉरी सर्फिंग मतलब यार बाथरूम साफ करना। और तुझे पता है मेरे छत वाले बारिश से 2 चूहे मिले और अब हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। यार अली रजा, मुझे लगता है तू घर में लॉकडाउन में बैठ बैठ के ना पागल हो चुका है, बल्कि पूरे ही पागल हो चुका है। नहीं यार सच में बहुत मजा आ रहा है। और तुझे पता है मेरे घर में और लोग भी रह रहे हैं मेरे साथ, बहुत अच्छे लोग हैं यार। हैं? और कौन कौन रह रहा है तेरे साथ घर पर? वो ही जिनको हम प्यार से माँ बाप बोलते हैं। अच्छा चल तू बता, तेरा कैसा गुजरा लॉकडाउन में टाइम? क्या यार पूछ लिया तूने। चल रहने दे यार, अगर इतनी बुरी स्टोरी है तो। ओ यार बात तो सुन ले मेरी। अच्छा चल सुना। यार क्या बताऊँ, कभी कभी इंसान की उसकी कही हुई बातें उसके सामने आ जाती। अच्छा क्या आया तेरे सामने? यार मैं लॉकडाउन से पहले घर में कहता था मुझसे नहीं होते घर के काम, या तो घर के काम करवा लो या तो पार्टी काम करवा लो, मैं नहीं करता, मैं जाओ। और जिस दिन मैं घर में ही बैठ गया तो मैं घर वाले काम करूँ। तो क्या हुआ? देख यार लॉकडाउन की वजह से अब सारे घर के काम मुझे ही करने पड़ते। देख लो भाई लॉकडाउन में घर रहना इतना ही, ऐसा तो किसी जानवर के साथ भी नहीं होता यार। एक से हुआ। किससे? तुमसे। उम्मीद है गाइस के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, प्लीज कीप मेक अ सोशल डिस्टेंस प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा तो इस वीडियो का मकसद इंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें एक अहम पैगाम देना था, जो कि आजकल जो वबा इस टाइम चल रही है पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया इस टाइम फेस कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि स्पेन और इटली ने इसका मजाक उड़ाया और अब इस सब का नतीजा आपके सामने है। तो हमें ये चाहिए कि हम रियासत के तमाम अहकाम को माने और हम सोशल डिस्टेंस क्रिएट करें। अभी तो हम बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देने के लिए, हमें ना फॉलो कर लेना, ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज देने के लिए। तो प्लीज़ कीप मेक अ सोशल डिस्टेंस। और दूसरा ये कि अपने मास्क ज़रूर पहने, जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क को ज़रूर साथ लें। तीसरा ये कि जब आप घर पर एंटर होते हैं उसके साथ साथ आप अपने हाथों को धोएं, चाहे वो सैनिटाइज़र से या फिर अपने जो घर का साबुन है उसके साथ। ठीक है, सबसे बड़ी खुशखबरी जो ये है कि रमज़ान मुबारक आप सबको, ARP की सभी चाहनों वालों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदके इस वबा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे और हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर, ARP को इजाज़त दे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें।